सफीरे पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीरे पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. Samaji, sahafati, Islami. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Safiri Pakistan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. Har jagah, har pal, aapka apna Safiri Pakistan nazar aata hai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीरे पाकिस्तान के साथ हाज़िर ख़िदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की पसंदीदगी का। और हाँ, ये आपका अपना प्रोग्राम है और आपका अपना ही प्लेटफॉर्म है नाज़रीन। सबसे पहले तो आपको मैं रमज़ानुल मुबारक की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान, ईमान, ये हमारा टॉपिक रहेगा पूरे महीने। रमज़ान, ईमान, सफ़ीरे पाकिस्तान के साथ। और अगर आप कोई चीज़ की फरमाइश करना चाहें रमज़ान में तो ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहले रमज़ान की कुछ नशरियात, कुछ प्रोग्राम्स, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور رمضان إيمان رمضان إيمان رمضان إيمان ہے رمضان اسلام کا تاج ہے رمضان برکتوں کا مہینہ ہے رمضان تقوی ہے رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے رمضان ہمیں محبت कुर्बानी इत्तेहाद का दर्द देता है, ईमान में ताज़गी अता करता है। जब भी रमज़ान आता है दुनिया भर में आलम इस्लाम सजदों में इबादतों में चले जाते हैं। अल्लाह बारे ताला ने इस माह को सबसे आला दर्जा अता किया है। हमारा फ़र्ज़ क्या है? रमज़ान को एक मिसाल बनाकर अपने सफ़ों में यकजहती पैदा करें, नफ़रतों को दूर करें, इख्तलाफात को दूर करें और खुदावंद ताला से दुआ करें, ऐ मेरे रब मुसलमानों का बोल बाला कर, उनकी हर परेशानियों को दूर कर, खुसूसन पाकिस्तान में होने वाले हालात को दुरुस्तगी की जानिब ले जा, अमन अमान कायम कर। यही रमज़ान है, ईमान है। सफ़ीरे पाकिस्तान आप तमाम लोगों को रमज़ान के मौके पे मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह ताला आपको रोज़े रखने की हिम्मत और हौसला अता करे, इबादतों में आपका वक्त गुजरे और अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल भी करे। आमीन। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम रमज़ान ईमान सफ़ीरे पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान कई दहाइयों से आबाद हैं
और अब उनकी नस्ल यहाँ पे जवान हो चुकी है, परवान चढ़ चुके हैं, वो बीज जो बोए थे, वो पौधे जो लगाए थे, वो अब शादाब सख्त तो शादाब हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने अमेरिका को अपना घर बना लिया है, पाकिस्तान से हिजरत करके अमेरिका आए और उसको अपना घर बनाया और यहीं आबाद होकर रह गए। इनके रस्म व रवाज, उनके ट्रेडिशन, उनकी सकाफ़त भी वो अपने साथ लाए। साल साल गुजरने के बाद भी वो अपनी सकाफ़त और अपने रस्म व रवाज को भूले नहीं। वतन की महक उनके जिस्म से लिपटी रही, उनके जहनों में आबाद रही। और ये वजह है कि आप देखते हैं जब भी पाकिस्तान की कोई भी तकरीब होती है, आपको वहाँ पाकिस्तान के रंग नज़र आते हैं, झलक नज़र आती है, महक नज़र आती है। इसी किस्म का एक प्रोग्राम डेलस में हुआ था और वो थी एक शादी, जिसको आप इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं। ये शादी खाना आबादी थी एक होनार सपूत की, और वो साहबजादे थे जनाब डॉक्टर हसन हाशमी के, हारून हाशमी। और डेफिनेटली जब शादी होती है तो दुल्हन भी होती है, और दुल्हन के वालिद का नाम है जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, और उनकी बेटी नगीन से हारून हाशमी की शादी होना करार पाई। और ये शादी एक बड़ी अनोखी और बड़ी मुनफरद थी, बड़ा एक अच्छे अंदाज से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और माशाल्लाह हाशमी फैमिली ने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया था, मन धन तन की बाजी लगा के ये शादी की थी। क्योंकि इनका छोटा बेटा था, वो नहीं चाहते थे कि छोटा बेटा उनका हारून महसूस करे कि किसी चीज़ की कमी कहीं ना कहीं रह गई है। तो उनने तमाम कमियों को पूरा किया, और दूर दराज से लोग आए, दुबई से, पाकिस्तान से, यूरोप से, फ्रांस से, और ये शादी बड़ी धूमधाम से रही। ऑफकोर्स शादी आगाज़ मेहंदी से हुआ, मेहंदी के बाद फिर निकाह हुआ, निकाह के बाद वलीमा हुआ, और ये दस्तरखान वहाँ सजते रहे, लोगों का ख्याल किया गया, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, यू नेम इट, एवरीथिंग। माशाल्लाह प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन, उसके बाद ऑफकोर्स साबरी की कव्वाली इज़ अ पार्ट ऑफ इट, और उसके बाद आलमगीर की आमद, ये सारा प्रोग्राम पूरे वीक चलता रहा और बड़ा धुआंधार चलता रहा। मैं ऑफकोर्स मुबारकबाद देता हूँ जनाब डॉक्टर हसन हाशमी साहब को, उनकी जौजे इनो, उनकी रफीक हयात सलमा भाभी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हारून और नगीन, आपको मुबारक हो। जनाब अरशद साहब और मिसेज अरशद सिद्दीकी साहब, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने भी भरपूर तरीके से लिया और उसको मैच किया। नादीन, आइए आपको ले चलते हैं इस पुरवकार तकरीब में जो डेलस में होना करार पाई थी, और ये शादी एक तारीखी थी जिसमें रस्म और रवाज झलक रहा था, जिसमें पाकिस्तान की खुशबू महक रही थी, और मैं समझता हूँ कि ऐसी शादियाँ होती रहनी चाहिए। और हाँ, अगर आपकी भी कोई ऐसी वेडिंग आने वाली है करीब में, तो आप सफ़ीर पाकिस्तान से रابطہ कायम कीजिए, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और सफ़ीर पाकिस्तान में भी उसको दिखाएंगे। आइए देखते हैं ये खूबसूरत तकरीब। डॉक्टर हसन फरीद हाशमी के छोटे साहबजादे बरखुरदार की शादी शुरू से आखिर तक नहायत दिलचस्प और भरपूर रही। अब्बू ने, अम्मी ने, सास और ससुर ने दिल भर कर बलाई ली, दुआ की और पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी। ये खूबसूरत और हसीन शादी सकाफत और रिवायत की खुशबू से महक रही थी। जिधर भी निगाह डालो ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई चांद और चांदनी ज़मीन पर उतर आए हैं। डेलस में शायद ही कोई ऐसा ख़ानदान हो जिसने शादी में शिरकत ना की हो। अमरीका भर से, दुनिया भर से लोग इस अनोखी और मुनफरद शादी में शिरकत के लिए आए। मेहंदी, बारात, वलीमा सभी नहायत फिल्मी अंदाज में तरतीब दिए गए थे, और सकाफत, रिवायत, रस्मों की इंतहा थी। किसी भी मोड़ पर यह महसूस नहीं हुआ कि हम अमरीका में शादी देख रहे हैं। डॉक्टर हाशमी साहब के साहबजादे
हारून और अरशद साहब की साहबजादी नगीन के लिए एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन लम्हा था जो एक यादगार रहेगा। हारून हाशमी के लिए नगीन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा नग है जो इनको तमाम मुसीबतों से परेशानियों से दूर रखेगा और ज़िंदगी को हसीन और ख़ूबसूरत नगीने की तरह एक हसीन नग बना देगा। नाज़रीन देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि पता नहीं अमेरिका में शादियां कैसी होती हैं, लेकिन मैं ये बताऊं आपको, अमेरिका में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी शादियां होती हैं और बहुत ट्रेडिशनल होती हैं और खाने भी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे होते हैं और डेकोरेशन और रिवायत और रवाज सब कुछ। आइए बात करते हैं जिन साहबजादे की शादी हुई है हारून हाशमी साहब की, उनके वालिद मोहतरम साहब से बात करते हैं जनाब हसन हाशमी साहब से। हमें उन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है जो हम पाकिस्तान में करते हैं तो हम वो यहाँ पर भी करना चाहते हैं और उसी तरह की अरेंजमेंट्स हैं जैसे कि पाकिस्तान में होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो भी आपने तैयारी की है बिल्कुल रस्म रिवाज जो पाकिस्तान से बिल्कुल मुताबिक रखते हैं? अमरीकन यहाँ पर नजर आएंगे लेकिन पाकिस्तानी बदलते नहीं हैं दुनिया के किसी हिस्से में भी हों और हम वही चीज़ें करते हैं जिनकी हमें जिन चीज़ों का हमें शौक़ है और जो हमारी रिवायात। आपको कैसी लगी ये शादी? बिल्कुल डॉक्टर साहब और सलमा को बहुत बहुत मुबारक, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इन्होंने ढोल तमाशे हर चीज़ खाने बहुत अच्छा किया है और ही बहुत मेहमान नवाज हैं बहुत ज़्यादा। डॉक्टर इमान साहब आपका क्या ख्याल है? जी हसन हाशमी साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और खाने भी पाकिस्तानी और फंक्शन भी पाकिस्तानी और रवायात सारे पाकिस्तानी और मुस्लिम, उनको बहुत बहुत मुबारक। मेरे साथ जनाब सलमान साहब है, इज अ रियली अ टाइकून ऑफ द होटल इंडस्ट्री, इज अ टेक्नोक्रेट रियली, इज अ आई कुड से दैट इज अ नंबर वन इन द वर्ल्ड इन द होटल इंडस्ट्री इफ द व्हेन द होटल कम एंड ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर हसन हाशमी। जैसे हम लोग आए हैं सैन फ्रांसिस्को से, डॉक्टर साहब के दोस्त सारे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाज़रीन मेरे साथ हैं नासिर शान जो दुबई से आए हैं ऑल द वे, कि यहाँ आके जो देखा जिस तरह की शादी है ये तो हम पाकिस्तान और दुबई और इंडिया की शादियाँ भूल गए माशाल्लाह से। एक एक हज़ार लोगों का एक वक्त में सिटिंग डिनर करा दिया जाता है, उसके साथ जो खाने की क्वालिटी है, साबरी को स्पेशली शिकागो से बुलाया जाता है, तो ये तो एक यादगार शादी के तौर पर मुझे लग रही है। और जितना मज़ा इसमें आ रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है, जिस तरह से लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिल रहे हैं और स्पेशली आप ख़ुद भी वक़ार साहब, इसकी मैं आपको दाद देता हूँ कि आप जिस तरह से आपकी मैं देख रहा हूँ इज्जत है यहाँ माशाल्लाह, अल्लाह में आपको नज़र न लगाए। मेरे साथ जनाब परवेज पाशा साहब, ये ऑल द वे अटलांटा से आए हैं और रिश्तेदार भी होते हैं डॉक्टर हसन हाशमी के, और इनसे ये पूछना है कि इन्होंने रस्म रिवाज को कैसा देखा है, ट्रेडिशन कैसी देखी, हाउ डू कंपेयर फ्रॉम पाकिस्तान और हियर? इट्स द सेम थिंग लाइक पाकिस्तान, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जिस तरह पाकिस्तान में शादी होती है माशाल्लाह उसी तरह इन्होंने इंतज़ाम रखा हुआ है इधर, आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड इज द बेस्ट क्राउड एंड माशाल्लाह भी। लुक द स्टेसी वेयरिंग द ब्यूटीफुल क्लॉथ, ट्रेडिशनल, लुक वेरी प्रीटी एंड लुक रियल ट्रू पाकिस्तानी। हाउ डू यू फील अबाउट वेडिंग इन अमेरिका? पाकिस्तानी वेडिंग्स they're very long. This is what the third or fourth day and ours are usually one day, but it's quite exciting. Tawana, how do you like the Pakistan wedding? I've never been to one before, so I'm very excited for this chance to experience it. My name is Kendra and I'm just really excited to be here. It's an honor and it's a new experience, so I'm very excited. Oh, I've never been to one either and it's really cool and everyone's wearing beautiful dresses. What's your name, sir? My name is Gary
and we're just excited to be here. We're Ride's family, so we're just happy to be here, and I think it's been a fantastic 3 days so far. Now, the weddings here really as good as Pakistan's weddings. Better, I think. Are you better? Oh, yeah, this is much better. You know, these are bigger than Pakistan. I've been to Pakistani weddings in Pakistan, and here it's a little different. So it's very nice. Good luck to the wife and bride and groom. It's very close friend of Mr. Hassan Hashmi. What do you feel about a very traditional wedding? I'm really enjoying it. Everybody's so friendly. The food's so good. All the outfits are beautiful. It's quite an experience. How do you like this wedding? How do you compare a wedding in Pakistan and in America? Well, the best thing is very peaceful. We are not worried about anything. We are not worried about any bomb blast. We are not worried that way. If you go out to pick up our car or bring our family, we may be mugged. Nadir, aaiye kuch views lete hain, poochte hain ki Pakistan mein shaadi aur yahan pe shaadi mein kya fark hai? Pakistan ki shaadiyon yahan ki shaadiyon mein ab to fark nahi raha hai. I think abhi itna idhar culture, Pakistani culture strong ho gaya hai. How do you feel about, what do you feel the difference between the Pakistan wedding in Pakistan or in America? I think weddings in America are very well organized. There's a strong cultural element. There's a very strong and vibrant Pakistani community. Pehle ye hai ki Pakistan mein hone wali shaadiyan aur yahan pe hone wali shaadiyan ab ek hi tarz ki ho chuki hai. Halanki yahan pe rasm rivaj aur tradition zyada ho raha hai as compared to Pakistan. Phir ye ki peaceful hoti hai, khana bhi food bhi wahi hai. Yahan ki behtar hoti hai zyada. अपने ये के सब ऑर्गेनाइज सही तरह से हो जाता है. बहुत आला शादी होती है यहाँ पर भी. अब पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी के इतने मसले मसाइल हैं. बहुत अच्छी शादी हुई है. मैं तो कहूँगी हसन फरीद और शमना को बहुत बहुत मुबारक हो उनकी बेटों की शादी और बच्चे माशाल्लाह खुश रहें. और यहाँ में उनमें फ़र्क कुछ नहीं है. यहाँ ज़्यादा ट्रेडिशन भी फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान के. ये पहले लॉस एंजल्स में होते थे, अब यहाँ पे डलस में है. आप क्या सोचते हैं कि यहाँ की जो शादियाँ हो रही हैं एस कम्पेयर टू पाकिस्तान और अमेरिका में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? यहाँ पे सबसे पहली बात तो कि डर नहीं लगता है कुछ. रात को लेट जाना, ये करना, वो करना, बेहतर ऑर्गेनाइज होती है. हम लोग ज़्यादा पुरसकून होकर आते हैं, काम एंड क्वाइट फील करते हैं. नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही मौजूद शख्सियत है और बहुत क्लोज फ्रेंड है हसन फैमिली की. और हमें ये देखना ये है कि पाकिस्तान में और अमेरिका में शादी में क्या फ़र्क रह गया है. लोग समझते हैं कि शायद वलीमे में इन एंड आउट है और निकाह में बरकत दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे साबरी के लजीज तरीन खाने हैं मुगलाई. जी, अमेरिका की शादी दरअसल फ्यूजन शादी है. इसमें ईस्ट एंड वेस्ट का दोनों मिलाप है और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ का तर्ज तरीका दोनों का मिलाप है और ये बहुत दिलचस्प मिजाज पैदा करता है. और ख़ास करके जो हमारे मेज़बान हैं डॉक्टर हसन फरीद, ये बहुत अच्छी दावतें देते हैं. ये इनकी तीसरी शादी जो मैं अटेंड कर रहा हूँ. तीन बेटे हैं इनके, ये सबसे छोटे बेटे की है और अब काफ़ी दिन मुद्दत इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट शादी. लोग समझते हैं कि अमेरिका में शादी अमेरिकन स्टाइल होती है और वो मज़े नहीं जो पाकिस्तान में होते हैं. उसी तरीके से शादियाँ मनाते हैं, उसी तरह से गैदरिंग होती है, बहुत मज़ा आता है. और हर तरह के अपने आप देखें, सब लोग जो हैं अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस में वगैरह जो है बहुत. Thank you.
होने से दवा लगती है, औरे होने से दुआ लगती है ना। हाय होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उठता है, होले होले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोले मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। मनिए साहेब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाब जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। मनिए साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाब जी न समझे इशारे। धीरे धीरे तुझसे है वादा मेरा खुद से है, छोड़ूंगा कभी ना तेरा साथ मैं। चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार, मैं कमाई का अब ना भाई हमें तुमसे हो गया प्यार। चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार। सासगारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा लोच
सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया।
hole hole se hawa lagti. I thank you all for joining us on this beautiful great occasion, and a special thanks to all of you who made an extra effort to visit us out of town, whether it's just outside of Dallas, out of Texas, out of state, overseas, wherever. Both our guests, Hashim's guests, if you guys traveled to be with us tonight, we really do appreciate it. Today, y'all, we're here obviously to witness the marriage of Harun and Nagin. And so, y'all, we performed the nikah ceremony for them. And I have the marriage contracts here in front of me. It's already been signed by the bride.
सी राहत सी मुझे हो गई जाने जहां, तेरी आदत सी मुझे देखूं मैं जब तुझको दो तब मेरा दिन ये ढले। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा, बता अब जाए तो जाए कहां। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा, बता अब जाए तो जाए कहां। Thank you.
بل ترى رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان नादिन। इस माह रमज़ान में हमारी अब पाक अफवाज दहशत गर्दों से सरबराज़मा है और कोने कोने में फाइट हो रही है, गांव गांव में, विलेज विलेज के अंदर हमारे फौजी जवान डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस लानत से पाकिस्तान को पाक कर दें, जिन्होंने पाकिस्तानियों की नींदें हराम कर दी हैं, हमारी तिजारत को तबाह किया, हमारे कल्चर को तबाह किया, हमारी सकाफत को तबाह किया, हमारे मुल्क के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम एक जंग छेड़ चुकी है, उन्होंने खुलेआम एक जंग छेड़ दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अब इस जंग में तमाम पाकिस्तानियों को खड़े होकर फ़ौज का साथ देना होगा। तमाम नफ़रतें, कदूरतें, नाइंसाफियाँ जो भी हुई हैं सबको पता है, उसको मिटा के साइड पर रख दें और फ़ौज के शाना बशाना हो जाएँ। और जो IDPs आ रहे हैं, जो बेसर सामा वहाँ से आ रहे हैं, नकले मकानी कर रहे हैं, उनके लिए मदद करें। आप सफ़ीर पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में कॉल कर सकते हैं अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं,
और जैसे भी दामे दर में सुकन्या मदद करना चाहते हैं, सफ़ीर पाकिस्तान इज़ देयर टू एक्सेप्ट योर सपोर्ट एंड सेंड दिस सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो आप हमसे भी रابطہ कायम करें और जो भी यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी रابطہ कायम करें। नादिन, तो ये था आज का प्रोग्राम। मोहब्बत के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए, इत्तेहाद के साथ रहिए और पाकिस्तान को मत भूलिए। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।